जय हिंद मेरे प्यारे साथी हूँ। राजू पीपी जो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली होमगार्ड भर्ती, जी हाँ, दिल्ली होमगार्ड भर्ती आ चुकी है। आवेदन 24 जनवरी से होने जा रहे हैं। फुल डिटेल्स से आपको बताते हैं। पास जो आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, आपका फिजिकल क्राइटेरिया, यानी ए टू जेड आपको अच्छे से समझाते हैं। पहले फिजिकल होगा, फिर रिटर्न होगा, एज क्राइटेरिया क्या रखा है, भाई मजा आने वाला है पूरा, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग, ठीक है। और क्या दिल्ली वाले ही सिर्फ फॉर्म डाल सकते हैं, यूपी वाले, ऑल इंडिया के भी लोग फॉर्म डाल सकते हैं, तो आप पूरा जानकारी भी मिलने वाली है, ठीक। सबसे पहले दोस्तों पोस्ट कितनी है, 10,285। होमगार्ड कितने बनने जा रहे हैं, 10,285 दिल्ली होमगार्ड, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आवेदन इसके हैं 24 जनवरी से 13 फरवरी तक इसके आवेदन होने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है 1/3 यानी कि 33% आपकी फीमेल कैंडिडेट्स लगने वाली हैं, यानी 10,285 कह सकते हो 3,500 फीमेल कैंडिडेट्स लगने जा रही हैं, होमगार्ड बनने जा रही हैं, ठीक है। बाकी के दोस्तों क्वालिफिकेशन बात करें तो इंटर पास आपका होना जरूरी है। एज की बात करें तो 20 से 45 बरस, यानी कि 20 से 45 बरस आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। यानी 45 बरस तक आप लोग फॉर्म डाल सकते हो, पहले ये चीज सोचो। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग एक चीज मैं बता दूं आपके लिए, यूपी वाले फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, यूपी का कहीं का भी कोई भी फॉर्म नहीं डाल सकता, सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ही ये वैकेंसी है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई हाइट की, मेल 1.65 और फीमेल 1.52 आपका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और पहले होगा फिजिकल, उसके बाद होगा एक आपका रिटर्न एग्जाम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेल की अब बात कर ले भैया, जो फिजिकल पहले होगा ना वहां पर थोड़ा सा गेम है। देखो अगर आपकी एज ना 30 साल तक है भाई, 20 से 30 के अगर बीच में आप हो, तो आपको 6 मिनट में 1600 मीटर आपको राउंड, मतलब 1600 मीटर जो रनिंग है क्वालिफाई करनी पड़ेगी 6 मिनट के अंदर, 20 से 30 एज आपकी है। जब अगर आपकी 30 से 40 एज है मेल में, तो आपको 7 मिनट मिलेंगे रनिंग क्वालिफाई करने के लिए, 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप 40 से 45 बरस के हैं तो आपको 10 मिनट मिलेंगे रनिंग क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप फीमेल में हैं तो 20 से 30 साल की अगर आप हैं तो आपको 8 मिनट में क्वालिफाई करनी है रनिंग, वो भी 1600 मीटर रनिंग, यानी कि 1600 मीटर है, यानी कि ग्राउंड के 4 चक्कर जो आरवी में होती है। और अगर आप फीमेल हैं और 30 से 40 एज आपके बीच में है, तो आपको मिलेंगे जी 9 मिनट रेस क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपकी एज 40 से 45 बरस है, तो मिलेंगे जी आपको 10 मिनट क्वालिफाई करने के लिए रनिंग। 45 से ज्यादा जो कि रिजर्वेशन मिलेगा आप लिए कैटेगरीज वाइज, तब आपके लिए मिलेंगे 12 मिनट मेल में भी और फीमेल में भी, ठीक है। बहुत पहले फिजिकल होगा, आपको चीज बता ही चुका हूँ भाई। और ये वैकेंसी आप सोचो परमानेंट है जी, नहीं, 3 वर्ष के लिए वैकेंसी है, और मतलब 3 साल तक आप जॉब कर सकते हो, इसके बाद 2 साल आपकी और बढ़ाई जा सकती है, यानी कि अधिकतम सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष ही आप इसमें सेवा दे सकते हो। यानी कि पहले सोचो दोस्तों, 20 साल से लेकर 45 साल तक कैंडिडेट इसमें फॉर्म डालेंगे, यानी सोचो आप 45 साल तक अभी भी बेरोजगार बैठे हो, आपके पास इंटर पास हो, आपके पास एक ऑप्शन आया जाके, मतलब कि आप देख सकते हो कि आपके पास एक टाइम आ गया कि आपको भी जॉब मिल सकती है होमगार्ड की, है ना। और भाई जॉब बेकार नहीं है, मस्त जॉब है, ठीक है ना, कोई सी भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, ठीक, अच्छी जॉब से अगर आपकी लगती है भाई मजा आने वाला। 45 साल की एज में नौकरी पाना, भाई कितना खुद में गर्व महसूस होगा, कितना आप लोगों की आपकी तारीफ होगी, पहले ये चीज खुद देखो ना, 45 वर्ष की एज में और आपकी नौकरी लग जाए, कितना मजा देने वाली बात है ना। तो भाई अच्छी खासी वैकेंसी है, 10,285 केवल दिल्ली वालों के लिए, ये भी चीज एक है। और आप दिल्ली से ही अगर संबंधित, तो आप जलवे होने वाले हैं, होमगार्ड की नौकरी लगने जा रही है। अगर आपने बहुत वैकेंसियां देखी, आप जी काबिल नहीं बन पाए, अब ओवर एज हो गए, 30 साल के हो गए, 30 साल मतलब अधिकतर देखा गया 27-30 साल तक ही कैंडिडेट्स 27 साल तक ही देख पाते हैं सरकारी नौकरी, इसके बाद आप बेकार हो जाते हैं। अगर आप बेकार बैठे हो 30-35 साल 40 साल 45 साल के हो, मेल हो या फीमेल हो, तो आपके पास एक ऑप्शन आया है, आपके पास एक सुनहरा मौका आया खुद को साबित करने का कि हाँ भैया इसमें लो हम नौकरी ले सकते हैं। भाई फिजिकल दिल्ली पुलिस की जैसा हो रहा है भाई, रनिंग क्वालिफाई करना भाई है आपको, रिटर्न एग्जाम फिर क्वालिफाई आपको करना है, लेकिन हाँ ये चीज है कि आप इसमें लग सकते हो, ठीक है ना, ये आपके लिए एक सुनहरा मौका दिया गया है। तो इसकी भाई तैयारी करिएगा अच्छे से आप लोग, और यूपी होमगार्ड की वैकेंसी जल्द है ऐसा हम भी सोच रहे हैं, और यूपी होमगार्ड पे भी चर्चाएं चल रही है। यूपी होमगार्ड की मैं बात इसलिए अभी बार बार नहीं कर रहा, पहले मैंने एक दो वीडियो बनाई थी कि अभी उस पर कुछ चर्चा चल नहीं रही है, जैसी कुछ चर्चा चलेगी मुझे जानकारी मिलेगी ऑफिशियल, मैं आपके सामने सब पेश करूंगा, ठीक है, जैसा भी होगा, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आने को हो या ना आने को। भाई 48,000 वैकेंसी की बात चली थी, तो कहा गया था कि 12-12 हजार हर साल वैकेंसी देंगे हम अगले 4 साल तक, 48,000 वैकेंसी होने की, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है, ये स्टेटमेंट पिछले साल का था। अभी हो सकता है यूपी होमगार्ड की वैकेंसी आपको एक साथ जल्द देखने को मिले, या हो सकता है कुछ दिनों बाद देखने को मिले, लेकिन हाँ ये है कि भविष्य में होने वाली है अभी होमगार्ड की भर्ती,
और 2024 में यूपी होमगार्ड की भर्ती हो सकती है, दिल्ली होमगार्ड की भर्ती आ गई, झारखंड की आ गई, बहुत सारी जगह जगह की होमगार्ड की भर्ती आ चुकी है, अपना यूपी बाकी है भाई। यूपी में भी देखना है कि यूपी होमगार्ड की वैकेंसी कब तक आ जाती है। होमगार्ड बनने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है, दिल्ली में तो नहीं जैसा कि अभी देखा गया है, अपना इसमें मैं बता रहा, अगर आप होमगार्ड बनते हैं, शायद दिल्ली में भी लागू हो उसकी जानकारी नहीं है, यूपी में अपना ऐसा, अगर आप होमगार्ड बनते हो और आपने 3 साल की सेवा दे दी, तो उसके बाद आप जब यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म डालेंगे, अप्लाई करोगे, तो आपको एज में भी छूट अच्छा खासा देखने को मिलेगी, और आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लाने हैं, यानी कह सकते हो 70-80 नंबर, 300 में 70-80-100 नंबर पे आपको नौकरी मिल जाएगी दूसरों के मुकाबले। यूपी होमगार्ड की रिजर्वेशन सीट मतलब कि होता है, रिजर्वेशन होता है कि इतनी सीट आपकी होमगार्ड के लिए है, तो आपको सिर्फ होमगार्ड में ही टक्कर देनी होती है, इतना होमगार्ड होते नहीं है जो कि आपको टक्कर दे पाए। तो मैंने जी बहुत सारे होमगार्ड भाई और बहन बनते देखा है हमने यूपी पुलिस में आते हुए, ठीक है, अच्छा खासा एज लेके आए और अपना यूपी पुलिस में जलवा बिखेरा उन्होंने, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, फिलहाल इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।